किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने टर्म वन देखा होगा कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड से, लेकिन देखो यार टर्म टू आप लोग का नहीं रहने वाला ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और शुरू से ही आप लोग को अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। मैं यही देखना चाह रहा था कि किस तरह के मॉडल पेपर आप लोग का लॉन्च होगा, किस तरह का आएगा। तो देखो मैंने देखा कि आपका जो मॉडल पेपर का जो आ रहा है यहाँ पे जो टर्म टू का आ रहा है उसमें लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आपको दो दो नंबर के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, तो जो जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे इसमें आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो आप लोग मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं कि मैं कार्डबोर्ड में करूँ, तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। और आप लोग को मैं बता दूँ कि एग्जाम से अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको टर्म टू में अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन को आप लोग सॉल्व कराने जा रहा हूँ, और आप लोग को याद रखिए कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं पूरा ऐसे बता दूंगा। कॉपी निकाल लेना, एकदम आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलना, एकदम मस्त तरीके से मक्खन तरीके से आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे दूरी सूत्र पर क्वेश्चन है, दो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दो बिंदु आपको दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, ए और बी, और दोनों का आपको निर्देशांक लिख लेना है, क्या हो जाएगा -5.7, और दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है -1.3। ये दोनों बिंदु आपको दिए हुए बच्चों, और दोनों का आपके पूछ का बीच का पूछ रहा है दूरी क्या होगी। तो दोनों के बीच का दूरी अगर निकालना है बच्चों तो दूरी सूत्र याद रखना है, दूरी सूत्र अगर याद रहा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनाना है चलिए मैं दिखा दूँ लाइन बाय लाइन कैसे लिखना है। तो लिखिएगा दूरी सूत्र लगाने पर, लिखिए दूरी सूत्र राइटिंग थोड़ा अपने अच्छे हिसाब से अच्छा कर लेना तुम लोग, ठीक है। दूरी सूत्र लगाने पर क्या हो जाएगा, हमें बिंदुओं, एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, हमें बिंदुओं, क्या क्या बिंदु है बच्चों, बिंदुओं ए लिख सकते हो -5.7, और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों बी -1.3 के बीच की दूरी मिलेगी। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को परीक्षा में लिखना है, मिलेगी, है ना। तो देखो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, डी आपका होता है दूरी सूत्र, मैं यहाँ बता दूँ दूरी सूत्र उसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, अगर नहीं रखोगे तो ये एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को क्या याद रखना, क्या होता है रूट अंडर, क्या होता है बच्चों रूट अंडर x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर, ये आप लोग का होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 किसको मानना है मैं बता दे रहा हूँ, फिर से आप लोगों को याद रखना है कि इतना दो नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी करके नहीं बनाओ, डायरेक्ट बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ। तो देखो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका x1 y1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है y2, ये आप लोग एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ याद रखना मन में कि x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, x2 का वैल्यू क्या है देखो -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे -1, अब फिर देखो माइनस का साइन है तो -1 लगाएंगे, और फिर x1 का वैल्यू देखो -5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बच्चों -5, ऐसे करके फिर देखो इसका स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है, सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं पूरे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देंगे प्लस y2 का वैल्यू देखो कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, y1 देखो y1 यहाँ पे 7 है तो 7 लगाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कैसे बनाना है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ रूट अंडर फिर से लगा लो, यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा -1+5 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 में 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम उतार लेना अपने कॉपी में, -1 में 5 जोड़ोगे बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये भी देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि -4 का स्क्वायर भी आप लोग का 16 ही आएगा, और 4 का भी स्क्वायर आएगा 16 ही आएगा, क्योंकि -4 × -4 भी करोगे तो कितना आता है 16 ही आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16+16, ठीक है। और आप लोग को याद होगा क्या हो जाएगा 16+16 √32, यहाँ पे लिख देना तो लिख दीजिए √32 यही आपका आंसर होगा। और देखो √32 को अगर आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों, देखो इसको देखो कैसे तोड़ना है, 2 से 16 हो गया, 4 × 16 हो गया, देखो 4 × 16 = 32, और ये जोड़ा में है तो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 4√2 है ना, और दूरी था मतलब कि दूरी किस में होता है, इकाई में होता है, तो इकाई यहाँ लिख देना, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो बच्चों तो कैसे बनाना है फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, अगर 32 को अगर तोड़ना नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे तोड़िएगा, 32 को आप लोग बच्चे मतलब कि जैसे ऐसे तोड़ते तो इस तरह भी तोड़ सकते हो, 2 से दोगे 16,
चार चौके 16, तो यही जोड़ा को लगाना है बाहर और ये दो को अंदर रखना है, यही मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, त्रिकोणमिति से आप लोग को पूछा गया है। आप लोग पहले चाहो तो चित्र बना सकते हो, लेकिन जो दिया हुआ है पहले आप लोग को पता है कि साइन ए का वैल्यू आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे बनाना है इसको, मैं बताते पहले चित्र बना लीजिए आप लोग अपने सेफ्टी के, मतलब कि अपने अच्छे के लिए, है ना। तो आप लोग ऐसे चित्र बनाइए और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 90 डिग्री, यही आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी हो जाएगा और आप लोग को दिया हुआ है देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चित्र बना लिए, अब आप देखिए क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका सीधे सॉल्यूशन करते हैं। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, सीधे सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं बच्चों, क्या लिखिएगा, हम लोग जानते हैं साइन ए का वैल्यू लिखिए। आप लोग ये सूत्र आप लोगों को पता होगा, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, पी बाई एच, पी मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, एच मतलब होता है हाइपोटेनस। इसको हिंदी में भी आप लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो। साइन ए का वैल्यू क्या होता है आपका, होता है लंब बटे कर्ण, ये भी आप लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे दे दिया है लंब बटे कर्ण का वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या है, लंब यहाँ पे क्यों बी सी है, तो यहाँ पे लिखो बी सी बटा में क्या लिखो, कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, बी सी बटा ए सी। क्या दिया बच्चों वैल्यू, वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 3/4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि बच्चों ये डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवाइड में दिया हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर देखो ऐसे अगर रहेगा 4 × 12, यहाँ पे समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 4 × 12 और फिर 3 × 14 = 12, तो देखो 12 कट जाएगा, ये 4/3 आएगा। और फिर एक चीज़ और देखो, 4/3 अगर रहा और गुने में ऊपर अगर 10 रहा, यहाँ 12 है यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये भी कट के आपको 4/3 ही आएगा। मतलब कि ये 3/4 ये जो दिख रहा है या फिर 4/3 जो भी मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, आप समझिए कि ये अपना सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में। लेकिन क्या जरूरी कि ये दोनों अपना सरलतम रूप में ही होगा स्टार्टिंग में, नहीं, कट के वो सरलतम रूप में आया है। तो जब हम इसको सरलतम रूप से यहाँ पे के देंगे तो यहाँ पे भी के से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी बराबर 3K लेना होगा, तो बी सी बराबर 3K, ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं कि सरलतम रूप में था तो हम उसको जो गुणक होगा वो गुणक को डाल दिए हैं, जो गुणक से ये गुना होगा, मल्टीपल से हम गुना करके डाल दिए हैं और यहाँ पे हम यहाँ 4K मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब देखो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी अभी हमको पता चलेगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सभी को पता होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब एसी का स्क्वायर, ये दोनों मतलब कि बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो देखो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, थोड़ा सा पेन खराब हो गया बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, थोड़ा सा उतना एडजस्ट कीजिए, प्रमेय लगाने पर। आप लोग कॉपी में साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है, तभी आप लोग को मतलब इसका बेनिफिट होगा। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि एसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, देखो ये एसी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू क्या होता है कि बाकी के स्क्वायर के बराबर, जोड़ के बराबर, ए बी स्क्वायर, देखो ए बी और प्लस बी सी स्क्वायर लिख देंगे, बी सी स्क्वायर। अब देखो वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर दो, ठीक है, आपको एसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया 4K, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ पता नहीं बच्चों, तो ए बी का स्क्वायर देखो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, कोसे का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोसे और टेन ए का। तो टेन और कोसे का वैल्यू क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, क्यों इस तरह से निकाल रहा हूँ, मैं ये भी समझा देना चाह रहा था कि बी बाई एच मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार ये नहीं दिया हुआ बच्चों, और टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो यहाँ पे भी देखो बी नहीं दिया हुआ, बी निकालेंगे तभी दोनों का फॉर्मूला से हम यूज़ करके आंसर दे पाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी का वैल्यू देखो बच्चों 3K दे दिया गया, तो 3K का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 3K का स्क्वायर, ठीक है, तो 4K का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16K स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर। और देखो ए बी स्क्वायर का पता नहीं, तो ए बी स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब देखो 3K का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 9K स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो इधर से जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 7K स्क्वायर बचेगा। तो हम उलट के डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग बड़े क्लास में तो उतना समझ ही सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9/16 में 9 हो गया, तो 7K स्क्वायर, ये इधर जाता है ये इधर रहता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट मतलब कि इसका ए बी का वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये √7 हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, और k रह जाएगा। तो देखो यहाँ से मैंने आपको वैल्यू बता दिया कि कैसे आपका यहाँ पे आधार का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे आधार का वैल्यू जब निकल गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोसे। तो देखो ए बी यहाँ पे क्या है, आपका ए बी निकल गया, तब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वैल्यू लिखेंगे सीधा, तो कोस ए का वैल्यू हमको निकालना था, तो कोसे का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया बी बाई एच होता है, बी बाई एच, या डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो बी यहाँ पे क्या है, अच्छा चलिए लिख देते हैं आप लोग के लिए, बी बाई एच, और बी यहाँ पे है ए बी, तो ए बी लिखिए,
और एसी है, देखिए ये कर्ण, तो एसी यहाँ लिखेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये अभी आपको निकाले कितना हो गया, √7 √7k, और ऊपर कितना था ये 4k, है ना, तो कट जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, √7/4। ये हम कोसे का वैल्यू निकाले बच्चों। अब टेने का भी वैल्यू चलिए निकाल देते हैं आप लोग के लिए। टेने का वैल्यू क्या होता है बच्चों, P/B, P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू अभी को मैंने बता दिया था कि लंब, तो लंब देखिए कौन है यहाँ पे, लंब यहाँ पे ये है, ये जो है BC, तो यहाँ पे हम BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC, और आधार देखो AB ही था तो AB लिख देंगे, और वैल्यू अभी पता है BC का कितना है, BC का वैल्यू था 3k, और अभी जो AB निकाले उसका √7k, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3/√7। तो देखो इस तरह से मैंने इसका भी वैल्यू निकाल दिया आप लोग को, तो इस तरह से करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं बच्चों आप लोग एक बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप में एक बोर्ड आभा करके है, जैक बोर्ड, बोर्ड आभा जैक बोर्ड ऐसे लिखा होगा, बोर्ड आभा, ये बहुत ज़रूरी था, आप लोग जाके वहीं पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, सभी अपडेट मिलेगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड ब्रैकेट के आपके जैक बोर्ड लिखा हुआ है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है, देखो बोर्ड आभा BOARD बोर्ड, फिर स्पेस देना है, फिर लिखना आभा AABHA बोर्ड आभा, फिर ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट देना है और लिखना है जैक बोर्ड, ठीक है जैक बोर्ड। देखो यहाँ बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब कि 2000-3000 बच्चे जुड़े हुए, तो आप लोग जुड़ जाइए, और क्लास टेंथ वाले बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं तो देखिए ऐसे लिखा होगा जैक बोर्ड क्लास टेंथ चैंप्स, क्या होगा जैक बोर्ड, जैक बोर्ड, ठीक है क्लास टेन चैंप्स, चैंप्स का स्पेलिंग CHAMPS, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग टेलीग्राम में सर्च मार के जरूर से जुड़ जाओ, लिंक भी मैंने दे दिया वीडियो के नीचे, लेकिन अगर लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हो तो सर्च करके जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम ऐप में जुड़ना मस्ट है, मैं सबसे बता दे रहा हूँ, सभी चीज़ों का PDF सभी मिल जाएगा, ठीक है तो जुड़ जाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, थर्ड नंबर जो आपको क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आपको 210 45 डिग्री प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 डिग्री। तो देखो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग का आसान है और आप लोग को इसको एकदम आराम से बन जाएगा, सिर्फ आप लोग को वैल्यू याद रहना चाहिए। तो क्या वैल्यू आप लोग को पता है, देखिए 10 45 डिग्री का यूज होगा, तो 10 जो आपको दिख रहा है 10 45 डिग्री, इसका वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए कि ये 1 होता है, कितना होता है बच्चों 1 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसको देखिए एक और वैल्यू आप लोग याद रखिए कोस 30 डिग्री, ये अगर याद नहीं रहेगा बच्चों तो एग्जाम में दिक्कत होगा, मैं बता दे रहा हूँ, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है √3/2, ठीक है। और एक और जो होता है साइन 60 डिग्री का यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको भी याद रखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब देखो हमको क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि 210 45 डिग्री, 210 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस कोस 30 डिग्री, चलिए लिख देते हैं कोस स्क्वायर है, शायद शायद यहाँ पर 10 स्क्वायर है और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर है 30 डिग्री है, और फिर माइनस में दिया बच्चों कि साइन 60 डिग्री स्क्वायर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सबको पहले मैंने बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा का स्क्वायर, ये याद रखिएगा पूरा होल का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए 2 ऐसे लिख लीजिए, और 2 के बाद देखिए 2 ऐसे लिखिए, उसके बाद लिखिए 10 45 डिग्री, पूरा का पूरा जाएगा 10 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर, ठीक है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री इसका भी होल स्क्वायर, और फिर माइनस जाएगा साइन 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2 10 45 का डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस यहाँ देखो कोस 30 डिग्री का वैल्यू भी मैंने बताया √3/2, तो यहाँ हो जाएगा क्या √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस देखो बच्चों √3/2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों ये दोनों सेम ही है, √3/2 स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 2 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों थर्ड का। अब चलिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को पूछा हुआ क्या है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है कोस 38 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पहले याद रखना है कि ये आप लोग को याद रखना है नोट करके कि कोस याद रखिएगा इसको, हाँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये आप लोग को याद ही होना चाहिए, उल्टा भी होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर ये याद है तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान ही है बच्चों, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, अब हम लोग क्या दिया हुआ देखिए लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, चलिए लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है बच्चों कॉस 38 डिग्री, देखो जो क्वेश्चन दिया वही पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस 42 डिग्री
है ना, और माइनस साइन 38 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और ये एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए आप लोग से, ये आसान ही क्वेश्चन में आता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग अभी देखो कोस 90 में 38 घटाओगे तो कितना आएगा, 90 ध्यान दीजिए, 90 में अगर 38 घटाओगे, देखो 90 में मैं घटा भी देता हूँ 38, तो कितना आएगा बच्चों, 10 में 8 गया 2 और 8 में 3 गया 5, देखो 52 ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और ये वाला देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना 58 52, इसको अगर तुम 90 में घटाओगे, 90 में अगर 52 घटाओगे तो ये 38 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे हम लिख लेते हैं बच्चों, देखो कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री, देखो 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 को भी मैंने लिखने सिखाया ना, कॉस 90 माइनस 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री लिख देना दोनों जगह। देखो तो कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, अगर 90 में 52 घटाओगे तो 38 ही आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सोचो सेम ही चीज़ लिखा, अलग नहीं लिखा है। फिर देखो कोस और 52 डिग्री को लिखने का तरीका भी मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, 90 माइनस 38 तभी आपका 52 आएगा, देखो 52 आया था ना, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वही मैं समझा दे रहा हूँ कि दोनों को इसी तरह से भी लिखा जा सकता है, और जो आ गया वो सेम का सेम रख देना, ठीक है, जो है वही मैंने उतार दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि अभी मैंने बताया कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन, और ये वाला हो जाएगा 52 डिग्री, देखो 52 डिग्री हो जाएगा, और ये कोस 90 मतलब कि हो जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा बच्चों, है ना। और माइनस में देखो तो ये सेम तो उधर आगे भी तो वही है, सिर्फ आगे पीछे हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि 3 × 4 और इक्वल टू 4 × 3 होता है, आगे रहे चाहे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 0 आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, लंब वृत्तीय बैलन है आपका, लंब वृत्तीय बैलन जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, उसका आपको आयतन पूछ रहा है, तो आप लोग को आयतन पता होना चाहिए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर कितना आप लोग को यहाँ पे हम देखना जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग को पता होगा मैं किनारे बता पहले चित्र बना लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, देखो तो ऐसा होगा आपका जो होगा सिलेंडर ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिसल रहा है तो अच्छा चित्र नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो रेडियस ये होता है नीचे वाला बेस, तो यहाँ पे रेडियस आप लोग को कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों, हाइट आप लोग को जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आयतन पूछा जा रहा है, तो लंब वृत्तीय बैलन में हम पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे उस तरह से मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरह से परीक्षा में आपको बनाना है, तो ऐसे लिखिए लंब वृत्तीय बैलन में क्या लिखेंगे, लंब वृत्तीय बेलन में थोड़ा सा राइटिंग खराब है तो आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा। तो यहाँ देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है बच्चों, और हाइट, ठीक है, मतलब लंब वृत्तीय बेलन का हाइट भी दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों आप लोग को फार्मूला आप लोगों को जरूर पता रहना चाहिए, तभी ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या लिखिएगा, लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल बराबर, आयतन बराबर, है ना, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, फॉर्मूला बताइए तो आप लोगों को क्या है, याद है, अगर याद नहीं तो याद रखिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो देखो पाई का वैल्यूम कितना ले लेंगे बच्चों, 22 बाई 7, और देखो आर का वैल्यूम को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 यहाँ ले लेंगे बच्चों, फिर आर एक बार और होगा आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इधर से इसको नहीं लिखना है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर इंटू आर, है ना। तो आर का वैल्यू जब 7 है तो 7 × 7 लिखेंगे ना बच्चों, देखो यहाँ पे आर जब 7 है तो क्या लिखेंगे, 7 × 7, तो वही मैंने लिख दिया। और एच का वैल्यू देखो यहाँ पे ये एच है, तो एच का वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब याद रखिए जब आयतन है तो आयतन का यूनिट क्या होता है, देखो याद रखना कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है ना, यूनिट वर्ग का स्क्वायर वर्ग होता है, और ये जो आयतन होता है वो क्यूब होता है, मतलब घन होता है, क्या होता है, घन, और वर्ग का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ का जैसे कि रहेगा मीटर स्क्वायर में रहेगा, और ये क्या रहेगा बच्चों, मीटर क्यूब में रहेगा, यही है घन मतलब होता है क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर में देखो जब दिया हुआ है सेंटीमीटर में हाइट भी दिया हुआ, और हाइट क्या बोलते हैं इसको, हाइट और मतलब कि त्रिज्या मतलब रेडियस भी दिया हुआ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, क्यूब स्क्वायर नहीं लिखिएगा, मैंने समझा दिया, अगर ये गलती करोगे तो 5 मतलब कि आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो देखो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 22 से कितना होता है बच्चों, अगर चलिए अगर गुना नहीं कर पाते तो मैं बता देता हूँ, 5 क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों को गुना की जगह बच्चों कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि देखो कैसे गुना करेंगे, देखो बता दे रहे हैं जल्दी से, 35 × 70 होता है बच्चों, एक अंक आगे जाएगा फिर से 70 लिख देना है, तो 0 7 7 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो ये आपका 5th का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6th के नंबर पर चलते, क्या आएगा क्वेश्चन, देखिए 6th नंबर में क्या है।
देखो बच्चों, सिक्स नंबर क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहे हैं माध्य माध्यिका और बहुलक में आपको अंतर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ बता दिया है। तो देखिए अगर ये पीडीएफ जो आपको दिख रहा होगा, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, देखिए मैंने सारे को क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सॉल्व कर दिया है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का दोस्त है तो आप लोग को बोल सकते हैं कि इसको भी मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के ले ले। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व किया मैंने अच्छे से बच्चों। तो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। और मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि सपोर्ट दिखेगा तो मैं जल्दी जल्दी पीडीएफ दूंगा, वरना मैं फिर पीडीएफ अपलोड नहीं करूंगा टेलीग्राम पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करते वीडियो तभी मैं डालूंगा। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका और बहुलक में अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले माध्य के बारे में समझ लेते हैं। देखिए माध्य का अंतर क्या होता है, चलिए पहले हम यहाँ पे देखिए माध्य का मतलब क्या दिया हुआ है। माध्य का मतलब दिया हुआ है कि अंक गिनतीय माध्य है ना, क्या होता है, दी गई संख्याओं के औसत के समान होता है। आप लोगों को पता होगा कि 4, 5 और 6 का अगर आप लोग को माध्य पूछा जाए तो क्या होता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। कितना संख्या, 1, 2, 3 संख्या है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर 2, 3 और 6 का अगर पूछ दे कि इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य मतलब औसत ही होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 6, और कितनी संख्या बच्चों, 1, 2, 3 संख्या है, तो ये भाग दे देते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि अंक गिनतीय माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान, इसको औसत ही कहते हैं। ये संख्याओं के समूह में से वह संख्या है, मतलब समूह के में से वह संख्या है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब सभी संख्याओं का लगभग उसमें सेंट्रल टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब उसी के अंदर, मतलब उसी के मतलब कि लगभग में सबका वैल्यू आता है। माध्य मतलब उसका बीच का हिसाब करना। तो माध्य मतलब होता है अवलोकनों का योग और अवलोकनों की संख्या। तो ये आप लोग को लिखना है परीक्षा में। अब देखो माध्यिका पूछ रहा है, यहाँ पे छूट गया, माध्यिका कर लेना, ठीक है, माध्यिक हो गया। तो देखो वह संख्या जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है उसे क्या कहते हैं, वैसी संख्याओं को माध्यिका कहते हैं। याद रखिएगा कि वह ऐसी संख्या जो इस संख्या के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इससे अंक ज़्यादा मिलते हैं। माध्यिका को पहले देखो कैसे निकाला जाता है बच्चों, जैसे कि अगर 2, 7, 6, 5 और 3 अगर ऐसे करके, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम या छोटे क्रम, घटते क्रम, जिसका भी माना, बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजा लेना। चलिए मैं बढ़ते क्रम में सजा लेता हूँ। तो क्या होगा, 2, 3 फिर क्या है, 5 फिर 6 फिर 7। तो सबसे बीच का प्रेक्षण कौन है बच्चों, सबसे बीच का प्रेक्षण यहाँ पे 5 है 5। तो यही आपका माध्यिका होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही मैंने लिखा है कि n+1/2 टर्म होता है ना, देखो बीच वाला टर्म है ना। जैसे देखो यहाँ पे 5 टर्म था, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2, 3, 5, 6, 7 यही था ना। तो देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्याएं को 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। तो तीसरा आपका प्रेक्षण क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा 5। तो वही मैंने लिखा है कि जब n अगर विषम हो n, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, n+1/2th टर्म। और अगर n सम है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा कि n/2+1th टर्म और n/2th टर्म का आप लोग को भाग देना रहता है 2 से, दोनों का निकाल के 2 से भाग दे देना रहता है, ठीक है। तो वही होता है आपका माध्यिका। आप देखो बच्चों बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है बच्चों जिसकी समूह में सबसे ज़्यादा बार आवर्ती होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है। देखो यहाँ पे ये वाला मैंने उदाहरण भी दे दिया है कि 2, 6, 8, 7, 8, 5, 9, उसमें देखो बहुलक 8 है, क्योंकि 8 दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ, बाकी कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, अगर यहाँ पे अगर 2, 3 बार आता, देखो 2, 2 यहाँ पे 3 बार है, तो बहुलक फिर 3 हो जाता, 2 हो जाता, क्योंकि बहुलक 2, 3 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को बहुलक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग, आप लोगों को मैं फिर बता दे रहा हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सभी को ज्वाइन करना, बच्चों को शेयर करना, तभी पीडीएफ वहां पे डाला जाएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, चलिए मैं उस पर आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 7th नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रैक्टिस से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आसान भी था बच्चों। सम संख्या का आने का और विषम संख्या के आने का यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस पूछने से पहले चलिए हम लोग, जो चीज़ लिखा जाता है एग्जाम में ऐसे लिखो फॉर्मेट में कि देखने वाला भी खुश हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको भर के नंबर दे। तो कैसे इसको शुरू करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले लिख लीजिए, देखिए सम संख्या और विषम संख्या लिखने से पहले देखिए हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाना है। देखिए तो लिखिए पासे पर अंकित, क्या लिखिए, पासे पर या पासे में अंकित, या पासे पर अंकित, जो भी लिखना चाहते हैं, पासे पर अंकित, ठीक है, पासे पर अंकित लिख दिए। अब देखिए पासे पर क्या अंकित है, चलिए हम लोग लिखते हैं सम संख्याएं, क्या लिखेंगे, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या क्या अंकित है बच्चों, सम संख्याएं लिख लीजिए, सम संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4, 6, यही तो वहाँ पर अंकित हैं सम संख्याएं। फिर देखिए बच्चों विषम संख्याएं लिखेंगे, विषम संख्याएं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखेंगे, 1, 3 और 5, ये आप लोग का विषम संख्या अंकित है। अब सभी संख्याएं जो अंकित है उसको भी लिख लेते हैं, अंकित सभी संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, चलिए लिख लेते हैं, अंकित सभी संख्याएं लिख लीजिएगा आप लोग क्या क्या है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे जो डैश मैंने दिया बच्चों, एग्जाम आप लोग को नहीं देना, मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ कि संख्याएं आएगा, आप लोग एग्जाम में वैसा नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे बराबर देने छोड़ के अगर ऐसे कर दोगे तो अच्छा लगेगा, ये ऐसे दे दो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लोगों का रहता है अंकित, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं आगे, आगे लिखेंगे हम, अब हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, अब हम जानते हैं
आप लोगों को अब यहाँ से प्रायिकता का फॉर्मूला यूज होगा, अब हम जानते हैं, ऐसे करके फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, मतलब कि देखने वाला जांचेगा तो अच्छा लगेगा। क्या जानते हैं बच्चों, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? तो यहाँ पे लिखना किसी घटना के घटित, हम लोग तेजी से मैं लिख दे रहा हूँ, घटित होने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? आप लोग सभी को पता है कि प्रायिकता क्या होती है बच्चों? संभावित अनुपरिणामों की संख्या। क्या होती है? संभावित या अनुकूल भी लिख सकते हो, संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, संभावित अनुकूल परिणामों, ठीक है, की संख्या। कोशिश करिएगा ये लेंथ थोड़ा ज़्यादा नीचे जाए, देखिए ऊपर सट गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, की संख्या, और डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, या कुल संभव, संभव भी लिख सकते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर वन में आप लोगों को पूछा गया था विषम संख्या, पहला नंबर में आप लोगों को विषम संख्या पूछा गया है, तो देखिए हम पहले यहाँ पे वन नंबर दे देंगे, और देखिए आप लोग को यहाँ से आप लोग को याद है कि विषम संख्या पूछा गया है बच्चों, क्या पूछा गया, विषम संख्या, तो हम लोग चलिए विषम संख्या के लिए सॉल्व करते हैं। तो विषम संख्या के लिए क्या दिया हुआ है कि पासे के उछालने पर विषम संख्या का क्या होगा प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया सम संख्याएं, अब सीधे आपको मैं कैसे बनाना है वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कि अतः एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए अतः, क्या लिखेंगे, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। आप लोग थोड़ा राइटिंग में अच्छा लिखिएगा, मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अनुकूल कितने थे, तीन थे, देखो ध्यान से मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, तीन संख्याएं आपकी अनुकूल थी, अनुकूल तीन प्रेक्षण है, तो यहाँ पे मैं तीन लिखूँगा, और कुल प्रेक्षण कितने बच्चों, देखो कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रेक्षण आपके आ सकते थे, तो 3/6 हो जाएगा, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 1/2 आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या लिख दीजिएगा 1/2, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए इसी तरह से करना है, ठीक है, अच्छा बच्चों सेकेंड में ये वाला आप लोग टॉपिक धरा लीजिएगा, अतः एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो मैं एरो कर दे रहा हूँ, आप लोग एरो नहीं कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, आप लोग अपना कर लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे विषम हो जाएगा सम के जगह में, विषम संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ पे देखो बच्चों इसमें भी मैंने बताया था कि तीन प्रेक्षण यहाँ पे विषम संख्या में है, 1, 2, 3 और कितने संभावित है 6, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/6, यहाँ भी वही हो जाएगा 3/6, मतलब 1, 3, 1 + 3, 3, 2 + 6, मतलब कि 1/2 इसका भी आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेवन्थ नंबर बनाना है ताकि एग्जाम में देखने वालों को अच्छा लगे, तो ऐसे करके बनाइएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है, आप लोग उतारते जाइए कॉपी में ताकि अच्छा लगे, और PDF चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, और 8th नंबर क्वेश्चन से हम लोग सेक्शन बी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो सेक्शन बी में हम लोग अब आ चुके हैं। आप देखिए आप लोग के यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये लेंथी भी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने का चांस भी है, क्योंकि ये विभाजन आपको जो किस अनुपात में विभाजित करता है कोई रेखा को किसी दूसरी रेखा, ये आपको इंटरनल क्वेश्चन है, तो सॉरी इंटरनल डिवीजन पर क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो देखो ए और बी दो बिंदु मान लिया, इसका निर्देशांक 5-6 आप लोग दिए हुए हैं, और एक का -1, -4 दिया हुआ है। आप लोग एक चीज याद रखना है बच्चों कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में जितने भी बिंदु होते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, इसमें जितने भी बिंदु होंगे उसका एक्स निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा और वाई निर्देशांक उसका 0 होता है, और जो वाई एक्सिस होता है बच्चों, तो वाई एक्सिस में कोई भी बिंदु हो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस किस डिवाइड करेगा, तो वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेगा पी मैंने मानना है, तो उसका एक्स निर्देशांक 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, और वाई निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से करेगा इसको फॉर्मूला यूज करना, तो किस तरह से इसको बनाएंगे, और फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी बनेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमें रेखाखंड में दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इन्हें क्या क्या मान लेना है बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम वही फॉर्मेट से आपको बनाना है, क्या क्या दिए हुए हैं वो पहले मैंने इसे लिख देता हूँ, ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं तो यहाँ पर लिखिए, इन्हें काट दीजिए आप, ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं आप चलिए लिख लेते हैं। आपको एक ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 5, -6, और दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1, -4। अब यहाँ से देखो बच्चों इन्हें क्या लिखिएगा, इन्हें
तुलना करने पर। इसको देखिए x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, और इसके बाद फॉर्मूला क्या यूज होता है आप लोगों को विभाजन फॉर्मूला याद होगा तो मैं बता दूं क्या होता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो इन्हें क्या लिखेंगे, x1 कोमा y1 और y1 y2, x2 x2 y2 है ना, से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x1 इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग को यहाँ पे देखिए x1 हो जाएगा 5, ठीक है x1 5 हो जाएगा, ठीक है उसके बाद x2 लिख लेते हैं तो x2 हो जाएगा देखिए ये माइनस वन, और उसके बाद देखो y1 क्या हो जाएगा सिमिलरली माइनस सिक्स, और y2 क्या हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कि आगे कैसे बनाना मैं समझा दे रहा हूँ। माना वाई एक्सिस रेखाखंड को, यहाँ से देखिए, माना वाई अक्ष, ठीक है मतलब वाई एक्सिस रेखाखंड को, मतलब जो रेखाखंड ए बी है तो यहाँ लिख लीजिए, नाम भी लिख सकते हैं, रेखाखंड ए बी को के अनुपात वन में मानता है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना दो तरीकों से बन सकता है, लेकिन ये आसान तरीका है तो यही फॉलो करना आप लोग। अगर यहाँ पे ये नहीं भी मानोगे के अनुपात वन तो भी निकलेगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा के अनुपात एक के अनुपात पर विभाजित करती है, कि विभाजित करती है, ठीक है ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिए, इसलिए फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग के ये मानना है कि ये के अनुपात एक में बांटता है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे के मान लीजिएगा इसको, और इसको यहाँ पे वन मान लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये फॉर्मूला भी यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, मैं फिर से यहाँ पे इस किनारे में एक बार लिख दे रहा हूँ, ये लिखना नहीं अभी आपको यहाँ पे, एम इज इक्वल टू सॉरी एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, याद रखिए बटे एम वन प्लस एम टू, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए, इसलिए क्या करना है, विभाजन सूत्र यूज करना है। तो यहाँ पे जो M1 है बच्चों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि M1 इसको मानना है K को, ये K को M1 मानना है, और ये 1 को M2 मानना है। इसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, ऐसा हमको मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या मानना है देखिए, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन दो तीन बार बनाओगे तो हो जाएगा। इसलिए M1 इज इक्वल टू K मान लीजिए, तथा क्योंकि हम शुरू से ऐसा मान लीजिएगा, मान लेंगे कि M1 M2 के अनुपात में भी इसे भी विभाजित करता है, और तथा M2 क्या मान लेंगे बच्चों, वन मान लेंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से आप लोग को यूज करना है। दूसरा तरीका मैं बता दूं कि K अनुपात वन नहीं मानना रहता है, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला से यूज करोगे तो डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन वहाँ पे M1 और M2 में एक इक्वेशन आ जाता है, वो तरीका बताने से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। विभाजन सूत्र से ठीक है, क्या होता है x का आपको पता होगा जब निकालना रहता तो होता है M1 x1 M1 x2 बटे M2 x1, ठीक है बटे में m1 प्लस m2 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो एक के का यहाँ पे मैंने बताया था कि m1 के जगह में क्या मानना है, m1 के जगह में वैल्यू देखिए यहाँ पे k मानने के लिए मैंने बोला है आपको, देखिए यहाँ पे m1 k के जगह में m1 और m2 के जगह में 1 मानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मानना तुम लोग, x इज इक्वल टू m1 के जगह में मैंने क्या मानने बोला k, तो k लिखो यार, x2 x2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा माइनस वन, तो माइनस वन प्लस एम टू का वैल्यू मैंने अभी बताया कि वन मानना है, और एक्स वन का वैल्यू देखो यहाँ पे मिल जाएगा फाइव, ठीक है डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, तो एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा बच्चों, अभी क्या के और एक क्या था वन हो जाएगा ना, के प्लस वन। और आप लोग का एक्स का वैल्यू आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये है एक्स का वैल्यू, मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक्स और वाई का वैल्यू, फिर से यहाँ लिख देता हूँ किनारे समझ में, ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का, तो एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू वाई है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको दो तीन बार आप लोग रिवीजन कर लेना घर में, जीरो इज इक्वल टू, ठीक है क्या हो जाएगा ये माइनस के हो जाएगा, ध्यान से देखो ये माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के प्लस फाइव, और ये देखो यहाँ पे k प्लस वन जाके इधर जीरो हो जाएगा बच्चों, आगे सॉल्व कर देता हूँ, k प्लस वन जाके इधर जीरो हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस के प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, फाइव, ठीक है k बराबर फाइव आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को एक लाइन आगे लिख लेना है, यहाँ से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अतः y का वैल्यू पाँच आया, तो अतः y अक्ष, ठीक है y अक्ष दिए गए रेखाखंड को क्या दिया हुआ था कि k अनुपात एक में डिवाइड करता, मैंने ये बताया था ना, तो अब क्या हो जाएगा k का वैल्यू पाँच हो गया, तो पाँच अनुपात एक से विभाजित करता है, यही आंसर हो जाएगा।
कैसे बनाना है देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग m1 m2 का वैल्यू में m1 के जगह k नहीं भी मानोगे तो भी आएगा, लेकिन दो इक्वेशन बनेगा, तो उससे करने से अच्छा है कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जीरो जैसा कि आया था, अगर यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ अगर m1 रहता और यहाँ पे भी अगर आपका m1 रहता तो फिर m1 और m2 में फिर एक इक्वेशन बनेगा ठीक है। तो उस तरह से करके बनाना होगा, यहाँ पे m2 की जगह में फिर 1 नहीं मानना होगा, m2 मान के चलना होगा ठीक है, 5m2 आएगा। तो देखो यहाँ पे m1 इधर चला जाएगा, m1। देखो बच्चों कुछ आप लोग कोई लड़के कोई स्टूडेंट बोल देंगे नहीं सर मुझे दूसरे तरीके से भी बता दीजिए ताकि आसानी हो, तो सेकंड मेथड में देखो सिर्फ इतना करना है कि k1 k2 ये सभी मानने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सिर्फ यहाँ से बनाइए। देखिए कैसे बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, kx इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों, और m1 x2, x2 का वैल्यू भी मैंने बताया था कितना था, माइनस वन था, देख सकते हो माइनस वन था वहाँ ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मैं बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एम वन हो जाएगा, माइनस एम वन हो जाएगा, और एक्स वन का वैल्यू कितना था बच्चों, फाइव, तो फाइव एम टू हो जाएगा। अगर कोई बच्चे बनाना ही चाहेंगे दूसरे मेथड से तो यहाँ पे के के अनुपात वन का मानने वाला झंझट ही नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस मेथड से बनाओगे तो के और अनुपात एक मानने का जरूरत नहीं, सीधे एम वन अनुपात एम टू मान लो और फॉर्मूला पुट करो एम वन एक्स वन का ठीक है, ये वाला स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। जो इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला भी पहले जो मैंने बताया था वो मेथड आपको किताब में दिया हुआ तो आसान भी है ठीक है। तो m1 प्लस m2 यहाँ पे रहने दो, ये देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जीरो हो जाएगा ना, तो देखो क्या हो जाएगा आगे, इधर जीरो हो गया इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2, देखो यही चीज़ तो आ गया, देखो m1 इज इक्वल टू 5m2, अगर अनुपात निकालोगे m1 बाई m2 का तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से 5 बाई 1 आ गया ना, तो यही रेशियो आएगा 5 अनुपात 1 जो कि मैंने पहले भी बताया था, तो इस तरह से भी करके बना सकते हो ठीक है। चलिए वो हम लोग नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोगों को फिर से समझा दिया मैंने सेकंड मेथड, कुछ बच्चे बोलने लगते नहीं सर मुझे सेकंड मेथड भी समझा दो, तो मैंने समझा दिया। अब देखो बच्चों हम लोग नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा आसान है, और ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं अगर आप एग्जाम में बना के आते हो तो मेरी मानिए तब आप एग्जाम बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हो और कुछ तैयारी आपकी नहीं है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है और उसको अगर एग्जाम में नहीं करके आते तो दिक्कत हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका शीर्ष दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है देखो ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, यहाँ पे देखो तीनों सीरीज को मैंने लिख दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है, 4.7 है ना शायद, हाँ 4.7 और सी देखो कितना दिया हुआ है 7.4 ठीक है। तो इसको चलिए इसको फॉर्मूला बताना है, तो पहले मैं जो जैसे लिखना मैं पहले लिख देता हूँ, तो क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लिखिएगा, माना त्रिभुज, ये त्रिभुज है ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी के क्या हो जाएंगे शीर्ष है ना, क्या है ए क्या हो जाएगा 5.2 कोमा में लीजिएगा, बी कितना है 4.7 और लिखिए क्या है, थोड़ा तेज़ी से मैं लिख रहा हूँ 7.-4 है, ये आपको मान लेना है ठीक है। ये आपको मानने के बाद देखिए क्या लिखना है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोगों को शीर्ष वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही आसान है, मैं कैसे याद करना मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 एक्स वन इंटू y2-y3 ये होता है, फिर प्लस लगता है बच्चों, फिर x1 की जगह फिर x2 चलेगा, और x2 के आगे क्या होता है y3 होता है, -y1 हो जाएगा बच्चों, और फिर प्लस में x3 चलेगा बच्चों, और x3 के बाद क्या होता है बच्चों x1 y1 होता है, तो y1-y2 हो जाएगा। कैसे याद रखना है बताता हूँ, देखो 1, 2, 3 देखो 1, 2, 3 ठीक है, फिर देखो एक छोड़ देना है, फिर 2, 3 उसके बाद आगे क्या आएगा, एक आएगा, तो देखो 2, 3, 1 अब देखो फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 के आगे क्या आएगा 1, 2 तो देखो 3, 1, 2 मतलब कि ऐसे आगे बढ़ना है चक्र में अगर इस तरह से करके याद रखते हो तो कभी भूलोगे नहीं ठीक है। अब देखो मैं बच्चों बता दूं कि यहाँ पे अगर ये मोड ले लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग को पता होगा क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है, तो चलिए मैं मोड लेकर ही बनाऊंगा। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो x2 का वैल्यू अगर लिखना चाहते हो तो चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो फिर यहाँ पे बैठाने में वैल्यू को, तो यहाँ x1, y1 किसको मान लेंगे बच्चों, x1, y1 क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा ठीक है, इसको मान लिए। अब x2, y2 किसको मान लेंगे बच्चों, 4.7 को मान लेंगे ठीक है, फिर x3, y3 किसको मान लेंगे बच्चों, आपको 7.-4 को मान लेंगे। अब चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो बच्चों आगे कैसे सॉल्व करना, फॉर्मूला पर पुट कर दो ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दो ठीक है एक्स, अच्छा देखो हाफ हो गया तो यहाँ पे मैं मोड लेके बना रहा हूँ क्योंकि मैं बता दिया कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो x1 का वैल्यू देखो 5 है, तो 5 इंटू अब वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, देखो 7-, फिर माइनस जाएगा बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पे y2-y3 लिखा, तो y2 मतलब कि 7 और माइनस लगा दिया, फिर -4 है देखो, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बच्चों ठीक है। और ये इतना लिख देने के बाद ताकि अच्छा से समझ में आए मैं कर दिया
ठीक है। प्लस अब देखो x2 का वैल्यू 4 है, 4 पुट कीजिए, y3 - y1 देखो ना, y3 - y1 तो y3 का वैल्यू -4 है तो -4, और 1 y1 कितना है, y1 2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर प्लस आप लोग को लेना है 7, देखो यहाँ पे 7 क्यों लिया, x3 7 है, और फिर देखो y1 हो जाएगा 2 माइनस y2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मोड लगा देंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा वैल्यू, 1/2 और 5 और 7 और ये 4 हो जाएगा, --+11 हो जाएगा, है ना। तो 7 5 × कितना हो जाएगा, 7 4 11, फिर देखो प्लस 4 × कितना हो जाएगा, 4 2 -6, और फिर देखो 7 × 7 में 2 गया -5, ठीक है, 7 2 में 7 गया इसलिए माइनस में आएगा। अब देखो आगे क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाता है बच्चों 55, ये कितना हो जाएगा देखो तो 6 4 24 माइनस में 24 आएगा, और ये 7 5 35 माइनस में 35 आएगा। तो देखो बच्चों वैल्यू माइनस में आ रहा है, लेकिन उससे आपको कोई डरना नहीं है, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ, 55 माइनस कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 2 5, मतलब माइनस में आ रहा है 59, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आगे देखो मैं बढ़ा देता हूँ, हाफ -4 आ रहा है, देखो -4, तो ये -4 आप लोग को पता होगा कि मोड के अंदर आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, मोड नहीं भी लेके आते हो तो भी चलेगा, इसी तरह से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 4 और 2/2 कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 वर्ग इकाई लिख देना, क्योंकि ये क्षेत्रफल था तो वर्ग, 2 वर्ग इकाई लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 2 वर्ग इकाई ऐसे लिख के आपको बना देना है। और देखो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आज यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने आज कंप्लीट कर दिया वीडियो, अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना यार, और लाइक जरूर करना तुम लोग यार, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है बच्चों, ठीक है। तो लाइक करना और सभी को शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि इसी तरह की अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी, सभी सेट का कराया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।